सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल, बेल आइकन दबाइए और पाइए सबसे पहले खबरें। मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। गुरमीत राम रहीम, 7 की उम्र में मिला था उसे ये नाम और 23 साल बाद मिली थी गद्दी। अपनी 3 बेटियों के साथ राम रहीम आराम से रह रहा था, तभी एक संत उनके घर आया और संत ने बोला कि ये लड़का 23 साल की उम्र में सब छोड़ देगा। संत ने कहा था कि ये घर छोड़ देगा। गुरमीत के जन्म के समय परवीनी दास के ये वचन थे और 23 साल तक ही वो घर रहेगा, ये भी उन्होंने कहा था, और उसके बाद वो परिवार छोड़कर चला जाएगा। इस वजह से उनके माता पिता ने गुरमीत की शादी 18 साल की उम्र में कर दी। गुरमीत के परिवार के सदस्य शाह मस्ताना के अनुयायी संत शाह सतनाम सिंह को मानते थे और उनके डेरे पर आया जाया करते थे। उस समय गुरमीत की उम्र 5 साल थी। बाद में गुरमीत भी डेरे पर चला गया। शाह सतनाम सिंह ने 7 साल की उम्र में ही गुरमीत राम रहीम को ये नाम दिया। बाद में शाह सतनाम सिंह ने गुरमीत को डेरे की गद्दी सौंपने का फैसला लिया और 23 सितंबर 1990 को देश भर से अनुयायियों का सत्संग बुलाकर गुरमीत राम रहीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब उस समय गुरमीत राम रहीम की उम्र 23 साल थी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम की 3 बेटियां और 1 बेटा है। इनमें से 1 बेटी गोद ली गई है। गुरमीत राम रहीम के बेटे की शादी बठिंडा के पूर्व MLA हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी से हुई है। उनके सभी बच्चों की पढ़ाई डेरे की ओर से चलाए जा रहे स्कूल में हुई है। राम रहीम के दामाद रूहेमीत और डॉक्टर शमीमीत हैं, लेकिन इनकी कोई भी फोटो उपलब्ध नहीं है। CBI कोर्ट ने राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया है और हरियाणा और पंजाब में इसके बाद हिंसा फैल गई। चलिए आपको बता दें राम रहीम कैसे बना संत। गुरमीत राम रहीम अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनका जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गुरुसर मोडिया गांव में हुआ था। ये एक जट सिख मगर सिंह बराड़ के घर में हुआ था। गुरमीत के जन्म से पहले मगर सिंह की नसीब कौर ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तब नसीब कौर ने गुरुसर मोडिया गांव में परवीनी दास के डेरे में जाकर मन्नत मांगी थी और इसी मन्नत का नतीजा गुरमीत राम रहीम थे। लेकिन जल्द ही ये डेरे में चले गए, घर छोड़ दिया और उसके बाद बन गए राम रहीम सिंह। तो ये कहानी है गुरमीत की, गुरमीत राम रहीम बनने की, जो अब बलात्कार के जुर्म में रोहतक की जेल में बंद है।